आसाम में इन्होंने अपनी जान गंवाई। जोरदार तालियां, आप किसी काम के लिए आप आए हैं यही वो अवसर है जिसके लिए आप आए हैं। 19 नवंबर 2016 अभी एक साल भी नहीं हुआ है, इसके बाद मैं बुला रहा हूं 140 बटालियन GCBLR श्यामलाल सन ऑफ इंदराज जो शहीद हुए 5 मई 2005 को नक्सलियों के साथ मुकाबला करते हुए सुकमा में, मैं उनकी माताजी हमारे बीच हैं श्रीमती चंद्रावती, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। और यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से जिनके कठिन प्रयास से, अंतक प्रयास से आज का ये इतना भव्य आयोजन हुआ है, हम सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रावती जो कि श्यामलाल की माताजी हैं, जिन्होंने सुकमा में छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। श्रीमती चंद्रावती माता श्री श्यामलाल, जोरदार तालियां चाहिए आपकी। हमारे बीच सीआरपीएफ के एक और शहीद संदीप कुमार सन ऑफ अवतार सिंह का ज्ञापित करते हुए उन्हें हम सम्मानित करें। हमारे बीच सीआरपीएफ के जवान संदीप कुमार के पिता अवतार सिंह और भाई जगत सिंह पधारे हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है यूथ सोशल एंड कल्चरल। कुमार सुपुत्र नंदू सिंह के आई, मुझे यहां कुछ संदेह है, तेज कुमार जी सन ऑफ नंदू सिंह सेना मेडल से जिन्हें सम्मानित किया गया 2003 में जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने वो यहां आए हुए हैं, हम उनका यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से सम्मान कर रहे हैं। मैं सूचना दे दूं, ये तेज कुमार जी सेना मेडल सम्मानित है और स्वयं यहां है, जोरदार तालियां बजाइए। जम्मू कश्मीर में इन्होंने संघर्ष किया। अब मैं बुला रहा हूं 6 राजपूत प्लस 10 RR राजपूतरा राइफल्स के मान सिंह सन ऑफ सूबेदार अमृत सिंह, जिन्होंने 2003 में डोडा और JNK में अपनी शहादत दी, सेना मेडल से सम्मानित हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बाला देवी यहां है, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि वो मंच पर आए। ब्रिगेडियर कुलंतराज जी हमारे बीच है, उसी राजपूताना राइफल से हैं और ये ऐसा अवसर है कि वो इस समय मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं और ऐसे शहीदों के प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा, अपना कृतज्ञता ज्ञापित करें। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बाला देवी इस समय मंच पर हैं और सेना मेडल से सम्मानित मान सिंह जी को यहां यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान रमे पुत्र रामानंद शर्मा हमारे बीच हैं, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं, वो आए और इस शहीद परिवार को यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से यहां सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सबसे जोरदार तालियों की अपील करता हूं कि इसमें आप अपना सम्मान भी मिश्रित करें, अपनी श्रद्धा और अपना प्यार भी मिश्रित करें। उनके पुत्र रामानंद शर्मा, अब मैं सूबेदार कुंवरपाल सिंह के पुत्र विमल जी को आवाज दे रहा हूं, जिनके पिता यूएन पीस फोर्स में सूडान के अंदर 2013 में शहीद हुए, उन्हें आज यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के
सभी सतत सम्मानित करते हुए स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विमल जी उनके पुत्र हैं, हमारे बीच मंच पर आ रहे हैं और जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। इन्होंने यूएन पीस फोर्स में सूडान में अपनी लड़ते हुए जान गंवाई। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं काम सिंह सनाब हवालदार हरीश चंद, जिनके पुत्र नवीन राघव हमारे बीच हैं। इन्होंने 2001 में नागालैंड टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई। 40 बटालियन से ये संबंध रखते हैं। आज उनके पुत्र यहाँ हमारे बीच हैं और यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन की ओर से इस परिवार को सम्मानित करते हुए हम सब गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आइए नवीन राघव पुत्र श्री खाम सिंह, जिन्होंने नागालैंड में 2000 में आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई। और अब मैं बुला रहा हूं हवालदार मामराज की धर्मपत्नी कुंद्री देवी हमारे बीच है, जिन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध में सियालकोट सेक्टर में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, इस देश के लिए शहादत दी। चार राजपूताना राइफल से संबंध रखते हवालदार मामराज की धर्मपत्नी श्रीमती कुंद्री देवी हमारे बीच है। और ये बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि इन शहीदों के परिवार को सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन गुड़गांव की ओर से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर कुमुंद्री देवी जी 1965 के भारत पाक युद्ध में सियालकोट सेक्टर में मामराज जो इनके पति, उन्होंने अपनी जान गंवाई। हम सबका सम्मान, हम सबका श्रद्धा, हम सबका स्नेह इस परिवार के साथ। आइए हम जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे गुड़गांव से बहुत से शहीद हुए, अतुल कटारिया, विकास यादव, विक्रांत एमा।